दोस्तों, अंजू गार्डनिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको जिन पौधों के बारे में, प्लांट्स के बारे में आपको जानकारी दूंगी, वो है कि आप सर्दियों में कौन कौन से फूल उगा सकते हैं जो कि आपकी बगिया को महकाए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले ये मेरे गुलाब का प्लांट है, ये इंग्लिश गुलाब का प्लांट है। देखिए, इसमें ये कलियाँ आई हुई हैं, आप देख सकते हैं, ये सुंदर सुंदर कलियाँ आई हुई हैं। इसको मैंने 1 महीने पहले ही लगाया और देखिए, इसमें कलियाँ आनी शुरू हो गई है। सर्दियों का मौसम इस फूल को लगाने के लिए बेस्ट टाइम है। सर्दी में आप इंग्लिश गुलाब आसानी से लगा सकते हैं और ये आपको फूल देगा। उसके बाद ये आप मेरा फ्लावर देख रहे हैं, ये हिबिकस का फ्लावर है। ये बहुत फूल देता है इस मौसम में। इसका आप देख रहे हैं, पौधा पूरा कलियों से बराबर, दिखने में भी बहुत सुंदर लगता है। और अगर आप इसकी थोड़ी सी विशेष केयर करें, इसको टाइम और टाइम 15 दिन में एक बार गोबर की खाद दें, वर्मी कंपोस्ट दें या केले की खाद दें, तो ये अच्छे से ग्रोथ होता है। अब उसके बाद ये मेरा प्लांट है, ये गुलदावरी का प्लांट है। दोस्तों, ये गुलदावरी का प्लांट बहुत सुंदर फूल देता है सर्दियों के मौसम में। ये येलो कलर की गुलदावरी का है। दोस्तों, मैं अपने लिए गुलदावरी के प्लांट्स ज़्यादातर कटिंग से लगाती हूँ। ये भी मैंने कटिंग से लगाया हुआ है, देखिए। और मैंने ये बारिश के मौसम में ही इसकी कटिंग करना शुरू कर दी थी और उसने आसानी से फिर फूल देना, देखिए, अब शुरू कर दिया है। धीरे धीरे इसके और फूल बढ़ते जाएंगे। ये बंचेस के साइज़ में ये फूल आते हैं और दिखने में भी ये बहुत खूबसूरत लगते हैं। उसके बाद आप ये देख रहे हैं जीनिया प्लांट। ये सर्दी का फ्लावर तो नहीं है, लेकिन इसके फ्लावर्स आते रहते हैं पूरे सीजन। सर्दियों में भी इसके थोड़े बहुत फ्लावर्स आते रहते हैं। फ्लावर्स इसके बहुत सुंदर होते हैं। बस इसका ये है, इसको थोड़ी सी धूप चाहिए। ये ज़्यादा तेज़ धूप बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसको हल्की फुल्की धूप में रहेंगे तो ये सर्वाइव कर जाएगा। और उसके बाद आपको ये सर्दियों का एक राजा फूल है जिसको हम जरबेरा प्लांट के नाम से जानते हैं। जरबेरा प्लांट बहुत सुंदर सुंदर फूल देता है, लेकिन आप नर्सरी में जाएंगे, जो छोटा प्लांट होगा वो आपको सस्ता मिलेगा। थोड़ा बड़ा होगा उसका जो प्राइस है वो उतना ही हाई हो जाएगा। और इसका जो फ्लावर है 15 से 20 दिन तक आपको ख़राब नहीं होगा। ये आप शादियों में ये बुक्के वगैरह जो देखते हैं, ये फ्लावर उसी के काम वगैरह में आता है और डेकोरेशन में, शादी की डेकोरेशन में वगैरह में भी ये बहुत काम आता है। और उसके बाद आप ये देखिए, ये गेंदे का फ्लावर है। सर्दियों में मैरीगोल्ड, इसकी कई वैरायटी आती है, केसर में और इसका दूसरे तरह तरह के कलर्स में भी इसके फ्लावर्स आते हैं। दिखने में बहुत खूबसूरत लगते हैं। ये सर्दियों में ये आपको खूब फूल देगा। बस इसका ये ध्यान रखना है, आप इसको धूप में रखिए और 15 दिन में एक बार आप इसको वर्मी कंपोस्ट या कोई भी DPK NPK वाली खाद देते रहेंगे, ये तो आसानी से फूल देगा। अब ये आप ये देखिए, ये मेरा एक छोटा सा ये मैंने प्लांट अभी रिपोर्ट किया, इसको पैंसी कहते हैं। ये भी सर्दियों का फ्लावर है, इसको धूप की ज़रूरत है और ये आसानी से सर्वाइव कर जाता है। इसको इतनी विशेष केयर की ज़रूरत नहीं है। अब दोस्तों, ये मैं आपको ये दूसरा प्लांट बता रही हूँ, ये सदाबहार प्लांट है। सदाबहार का मतलब है कि ये पूरे साल फूल देता है। ये हाइब्रिड का सदाबहार प्लांट है, ये पूरे साल आपको फ्लावर देता है। ये नहीं है कि केवल गर्मियों में ही फ्लावर, ये सर्दी भी में ही आपको फ्लावर देगा। बस इसका ध्यान ये रखना है कि इसको ज़्यादा पानी ना मिले। ज़्यादा पानी देंगे तो इसकी जड़ें नाजुक होती हैं, वो गल जाती हैं। इसलिए इसको जब भी ज़रूरत हो, जब इसकी मिट्टी सूखे, तभी आप इसको पानी दीजिए। दोस्तों, ये फेरी डस्टर है, देखिए आपकी इसकी आप कलियाँ देखें कितनी सुंदर लग रही है। ऐसे लग रहा है कि छोटी छोटी स्ट्रॉबेरीज लगी हैं, लेकिन ये फूल है और ये फूल धूप में खिलता है। जब भी धूप निकलती है तो ये फूल खिल जाता है। एक डस्टर की तरह होता है, आप इसको ऐसे अपनी स्किन पर फेरेंगे, ऐसे लग रहा है कि कोई सॉफ्ट सॉफ्ट सी कोई फेरी सी आपके पंख से वो आप डस्टर कर रहे हैं। ये दिखने में बहुत सुंदर है गर्मियों में और इसको कोई विशेष केयर की ज़रूरत नहीं है। आप इसको लगाइए और ये आसानी से ग्रो हो जाता है। और जो नेक्स्ट फ्लावर है मेरा, वो है डबल चांदनी प्लांट। ये दोस्तों बहुत खुशबू वाला प्लांट है, बहुत खुशबू देता है। आपका वातावरण महकाने में इसका बड़ा योगदान है। आप देखें, इसकी कई वैरायटी आती है, लेकिन जो मेरे पास ये लगा हुआ है, ये डबल चांदनी का प्लांट है, वो सुपर प्लांट है।
आपको कोई विशेष केयर की जरूरत नहीं है, बस आपकी जो मिट्टी है इसकी हमेशा गीली रहनी चाहिए। सूखी रहेंगी तो इसके फूलों की ग्रोथ थोड़ी कम हो जाती है। आप 15 दिन में इसको गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट ये दे सकते हो और जिससे ये आसानी से ग्रो होगा। दोस्तों ये थे मेरे सर्दियों के फ्लावर, आपको मैंने इसके बारे में जानकारी दी। आशा है आपको मेरी ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।